क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री कोई मुस्लिम नहीं था बल्कि एक दलित था जिसका नाम जोगिंदरनाथ मंडल था। उस दौर में वह अंबेडकर के बाद दूसरा दलित नेता माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोगिंदरनाथ ने भारत पाक बंटवारे के समय जिन्ना का साथ दिया था। उन्होंने अपने प्रभाव से बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में शामिल करवा दिया था और आजादी के बाद लाखों दलितों को लेकर पाकिस्तान चला गया। जिन्ना ने उस समय उसे पाकिस्तान का कानून मंत्री बना दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जोगिंदरनाथ मंडल के सपनों का भरम टूट गया। मुसलमानों ने पाकिस्तान बन जाने के बाद मंडल को अपना असली रंग दिखा दिया। उसी की आंखों के सामने लाखों हिंदुओं को मारा गया, महिलाओं के साथ दुराचार किया और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की ऐसी स्थिति देखकर मंडल अपने फैसले पर पछताने लगा और 8 अक्टूबर 1950 को मंडल ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्हें अपनी ही जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत आना पड़ा और यहीं पर गुमनामी में मर गया। जोगिंदरनाथ मंडल के फैसले पर आप क्या सोचते हैं?